हमारे यहाँ पे ऐसे जानवर फिरते हो ना तो उठा उठा के कसाईयों को मारे हैं ईद के दिनों में। तो यहाँ देखेंगे कि परवाह ही नहीं है, माशाल्लाह से फिर रहे हैं फुल आज़ादी के साथ। ये तकरीबन मैं इसे रोड से देखता आ रहा हूँ, ये रोड से चलता आ रहा है, इसे नहीं पता मैंने इधर को मुड़ना है इधर मुड़ना है, सीधा अपने घर जाएगा ये। उसके अलावा ना किसी की बात सुन रहा है। रजी मामू हैं, ये ड्रोन रखने के लिए नीचे उतरे हैं, ये वहाँ जाके ड्रोन रखते हैं, फिर मैं वो ड्रोन को उड़ाता हूँ, फिर आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। पूरे बिहाड़ी से आगे ना गांव आता है, चीचा पथनी के करीब एक गांव है, तो उधर वलीमे के लिए जा रहे हैं। तो उधर जाके भी मैं आपको माहौल दिखाता हूँ कि किस तरह का गांव है। प्योर गांव है कि बस नॉर्मल कस्बा टाइप है। तो हम पहुँच चुके हैं, देखिए अब प्योर गांव है। जहाँ पे हम लोग बुरे वाला गए हैं ना, उससे भी चलो कि ज़्यादा मतलब गाँव है, बुरे वाला उसके नस्बत ऐसे लगता है शहर है। ये हम दूल्हे के घर पहुंच गए हैं, ये उनकी द्योड़ी है, सेन है जैसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उनके किचन भी दिखाता हूँ, देखें पुराने ज़माने के किचन ऐसे होते थे। बड़ी देर बाद ये कल्चर देखने को मिला है, ओपन किचन है, देखें ऊपर उन्होंने छत दूसरी बनाई हुई है, ठीक है, कानों की, और नीचे चूल्हे लगाए हुए हैं मिट्टी के। टोटल माशाल्लाह घर ऐसे खुला घर है, कोई छत नहीं ऊपर। जैसे घर से बाहर निकलो सामने डेरा है इनका, उसके अंदर इन्होंने अपने जानवर वगैरह रखे हुए हैं। तो ये बच्चा खड़ा हुआ है, और इधर सामने एक कट्टा है, ये बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ये कट्टा भी प्यारा है, और इधर एक गाय खड़ी है। तो माशाल्लाह अच्छे जानवर हैं। और दूसरी साइड पर बकरियाँ मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, बतखें रखी हुई हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है माशाल्लाह।
वलीमा अब अटेंड कर लिया, तो अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। शाम का टाइम हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी मुकम्मल हो गई है, तीनों दिन हो गए हैं माशाल्लाह। मेहंदी बरादर वलीमा अब घर जाएंगे और आज रात इंशाल्लाह इधर ही सोएंगे, कल फिर सुबह निकलेंगे 12-1 बजे तक वापस फैसलाबाद की तरफ। तो अब चलते हैं घर की तरफ। हाँ जी, अगला दिन हो चुका है, तो अब मैं जाज भाई की तरफ जा रहा हूँ। खुद तो माशाल्लाह सऊदीया बैठे हुए हैं, लेकिन उनके छोटे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके जाएंगे जानवर देखेंगे जाके, और इनके जो माशाल्लाह ने कटा लिया हुआ है कुर्बानी पे, इन्होंने भी लिया था और हमने भी लिया था, लेकिन हमने कुर्बान कर दिया, लेकिन इन्होंने कुर्बान नहीं किया, इन्होंने अपने घर के लिए रखा हुआ है। उस पर रेड़ा वगैरह लगाते हैं, पट्ठे वगैरह लेके आते हैं, ठीक है ना। तो जाएँगे उस पर भी सवारी करेंगे, देखें माशाल्लाह इनका ये कट्टा है, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। ये कट्टा इनका और नीली रावी का कट्टा है, ये बहुत मतलब कह लो कि कीमती नस्ल है भाई के बकोल कह रहे हैं कि पूरे गांव में ना दो हैं सिर्फ कट्टे ये वाले, ठीक, एक इनके पास है और एक यहाँ पे कोई और होंगे उनके पास है। तो अभी इस पे सवारी भी करेंगे, ये भाई अभी ट्रैक्टर लेके आए हैं, तो ट्रैक्टर को खड़ा करके फिर हमें ले के निकलेंगे। चलो बस करो ना, तंग कर दिया उन्हें। ले ले आवा निके केड़े लाया। इनके पास माशाल्लाह चार बकरे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, राजनपुरी हैं, वो लेके आते हैं फिर देखते हैं। यूट्यूब बैन हो जानी। चलें जब तक वो लेके आते हैं बकरे बाहर, तो हम जाते हैं इनके बाकी जानवर देखते हैं। माशाल्लाह ये भैंसें बैठी हुई हैं इनकी, ठीक है, तो यहाँ से लेके आगे इनके एक दो हाथे भी हैं, उधर बकरे बाकी बांधे हुए हैं, और ये सारी भैंसें हैं, ये भी कट्टा है इनका, ये मारता है थोड़ा सा, ठीक है, और वाइट नाक वाला है। अब अच्छा इधर से रखे अच्छी है। खीरी है ये, बकरे भी अपने, बकरे उधर आते हैं, बाकी जानवर अपने नहीं है, नहीं ये चाचू के या कुछ और मारते हैं, वो भी चाचू। अच्छा मार का आ रहा है, ये अपनी है, ये अपनी है, कुत्ता ही साल हो रहा के जी। देखे माशाल्लाह सारे जानवर पीछे बांधे हुए हैं, जितने बड़े हैं, कुछ भैंसें वो उधर बांधी हुई हैं, वो देख सकते हैं आप पीछे, इधर से होकर दिखाता हूँ मैं आपको, छप्पड़ के अंदर यहाँ पे फिर नहाती भी हैं कुछ, ये बांधी हुई हैं, और कुछ बकरे जो हैं वो इस हाथी के अंदर हैं, ये देखें आप माशाल्लाह।
आठ बकरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह भाई के जानवर है माशाल्लाह। इजाज भाई तू तो चुप कर जा मरे तो वीडियो सारी रौनक पाती है। वीडियो में ऐसी बातें बताते नहीं होते नजर लग जाती है तो भी है। मेरे काबू ते आना कोई नहीं तुसी मैं बना लेना यार तुडे कर खोलन लगा ओडे कर मैं बना ये देखें जी माशाल्लाह ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये बकरी के बच्चे हैं जो हाथी में हम देख के आए हैं ना बकरियां उनके अंदर से एक वाइट बकरी के दो बच्चे हैं और जो ब्लैक और ब्राउन वाली है उसके वो दूसरे दो बच्चे हैं ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे राजनपुरी नस्ल है तो भाई को मैं कहता हूँ भाई इधर जरा थोड़ी देर करो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं अल्लाह पाक नजर बस से बचाए। उन्होंने काली डोरी बांधी हुई है ताकि नज़र ना लगे ये कुर्बानी के लिए है दो बकरी अंदर बाकी एक बच्चा और बकरी है। इजाज़ भाई के छोटे भाई हैं ये तो माशाल्लाह बड़े मेहनती इंसान है तीनों भाई बड़े मेहनती हैं। इजाज़ भाई को देखा था तब तो सोचा था लेकिन उनके छोटे भाई इससे भी ज़्यादा मेहनती हैं। सुबह 4-5 बजे के उठे होते हैं रात तक इन्होंने सारा काम करके फिर सोना है। अब इनके मुरब्बे जा रहे हैं देखें इनका माशाल्लाह आ गया इनकी जमीन है करन लगे की बरसम है चलो ना नहीं हमारेगा आगे रब्बे में ये देखें इनकी ये सारी ज़मीन है तो अब यहाँ पे हम लोग बरसीम बीजने लगे हैं। ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ ये देखें ये पड़ी हुई है ठीक है। तो ये ज़िया भाई साथ आए हैं और भाई वो उधर गए हैं वो जा रहे हैं भाई ठीक है ये आएंगे फिर इन्होंने यहाँ पे छट्टा देना है छट्टा दे के फिर मतलब इनके अल्फाज में छट्टा ही कहते हैं हमारे अल्फाज में कहते हैं कि बीज डालेंगे बरसम का। तो लक भाई अब ये बीज को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे तो अब इन्होंने जाना है खेत के अंदर और जाके इसे बीजेंगे और इनको बीज डालने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डालते हैं मुझे पता तो खुद भी नहीं है देखिए हम जाने लगे हैं। ये देखें जी ये बीज हैं ये भाई रेडी हो रहे हैं ये देखें जी ये ऊपर बीज तैर रहे हैं ये नीचे बैठ के जाके
कितनी देर चौक जाएगी दोबारा इन्हें वी हो नहीं नहीं डेढ़ के दो हो जाएंगे एक पहली है एक किला जिन्हों कहते हैं ये भी इनकी जमीन है सारी ये जहाँ तक नजर जा रही है माशाल्लाह इनकी जमीन है और इधर से भी ये टोयों तक इनकी जमीन है तो वो ना ना गए वो कौन गए अरे दिया लड़ाई हुई कुत्तियां ना ये देखें हाफ जमीन इनकी ये है और हाफ ये है देखें तो मैं इसके दरमियान में चल रहा हूँ ठीक है आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि इन्होंने देखे अपने घर के लिए माशाल्लाह सब्जियां उगाई हुई हैं तो उसके लिए एक चार दीवारी इन्होंने की है और उसकी पार्टीशन ये देखें की हुई है जिसके अंदर इन्होंने धनिया मूली और लहसुन ये देखे लहसुन उगा हुआ है प्याज मूलियाँ गाजरें और काफ़ी चीज़ें धनिया पुदीना ये सब कुछ उगाया हुआ है वैसे माशाल्लाह गाँव की लाइफ का मज़ा ही अपना है मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल बाद में आया हूँ लेकिन 4 दिनों के अंदर इतना मुझे मज़ा है इंजॉय किया ना मैंने लाइफ गांव की लाइफ को कि मज़ा आ गया इनकी लाइफ माशाल्लाह बड़ी सिंपल है सादगी में इन्होंने सुबह 4, 4:30, 5, 6 बजे उठना है इन्होंने 5 बजे भी अगर उठें उसके बाद इन्होंने 8, 8:30, 9 बजे सो जाना है और पूरा दिन इतना काम करते हैं कि इनको रात को इधर उधर जाने की कोई होती नहीं है इन्होंने सोना है बस कि सुबह यार फिर उठते हैं माशाल्लाह इनके जानवर हैं अल्लाह पाक बरकत डाले इनके कारोबार में भी और इनके जानवरों में भी माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं गांव के ये देखिए आप यहाँ से पानी लीक हो रहा था दूसरी साइड पे जा रहा था तो यहाँ पे और डक्का लगा रहे हैं ये देखें जी माशाल्लाह ये धनिया उग गया हुआ है इनका ये सारा धनिया उगा हुआ है ये प्याज है और उस वाली साइड पे लहसुन है ये सारा और ये धनिया उगा हुआ है जितने भी ऊपर ऊपर हो गए हुए हैं ना ये सारा धनिया है माशाल्लाह ये भी 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर और बड़ा हो जाएगा मुंबई से आएंगे चले जी हम लोगों ने अब कट्टे को ना उसके साथ रेड़े के साथ जो लिया है तो आप सैर करके आते हैं पूरे गांव की तो आपको भी साथ सैर करवाते हैं
इब्राहिम मैं पीछे नहीं दे रहा ध्यान क्रास मेरा फोन अच्छा भी ताके आने जाना तुदे। 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 अच्छा मामा साहब ये भी दस कि मजा आया थोन बहुत मजा आया अच्छा ये वीडियो बना बह थक गई तभी तेन मोबाइल फड़ाने चल चल मोबाइल नहीं मिली नहीं लत्त कटोनी मैंने ना इधर बैग कुतर ना मेरा जब गेट बैग लगा ना ताड़ के हाँ मम्मा सोना बहुत नजर आ रहा ध्यान ना करे मुर्गे कि घरे ना मारे मुर्गा टम